नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। देश में कोरोना के नए मामले अब फिर से डराने लगे हैं, जिसको देखते हुए पीएम मोदी ने देश के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। क्या कुछ कहा इस बैठक के दौरान, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना का कहर दुनिया से खत्म होने का नाम ही नहीं ले सकता है। कभी एक्सी तो कभी डेल्टा वेरिएंट लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। कोरोना की तीसरी लहर खत्म होने के बाद कोरोना की गाइडलाइन में छूट मिलनी शुरू हो गई थी, लेकिन एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों ने देश की चिंता को बढ़ा दिया है, जिसको देखते हुए देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के जरिए कोरोना का स्थिति का हाल जाना। इस बैठक के दौरान पीएम ने कहा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और इससे लड़ने के लिए वैक्सीन ही सबसे बड़ा कवच है। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में राज्यों की भूमिका अहम है। आगे पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के अन्य देशों के हालात देखकर हमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ते भी रहेंगे और रास्ते भी निकालते रहेंगे। साथियों, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जिस भावना को संविधान में व्यक्त किया गया है, उस पर चलते हुए भारत ने कोरोना के खिलाफ मजबूती से ये लंबी लड़ाई लड़ी है। वैश्विक परिस्थितियों की वजह से, बाहरी कारकों की वजह से देश की आंतरिक परिस्थितियों पर जो प्रभाव होता है, केंद्र और राज्यों ने मिलकर उसका मुकाबला किया भी है और आगे भी करना ही होगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चीन में फिर से लॉकडाउन लग चुका है। वहीं जर्मनी समेत बाकी यूरोपीय देशों में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं देश के कुछ शहरों में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद एक बार फिर पाबंदियां वापस आने लगी हैं, लेकिन इस बार कोरोना बच्चों पर अटैक करता हुआ नजर आ रहा है, जिसने सभी को चिंता में डाल दिया है। गौरतलब है कि स्कूल खुल गए हैं, लेकिन बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, जिससे पेरेंट्स परेशान हैं कि आखिर बच्चे कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्कूल कैसे जाएं? बता दें कि बीते 24 घंटे में भारत में कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान देश में कोरोना के 2,927 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 32 लोगों की मौत भी हुई है। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 5,23,654 हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। हमने कोरोना की तीन लहरें देखी और अब चौथी लहर का संकट भी मंडराने लगा है। जहां पिछली लहरों ने खूब तांडव मचाया और अब बच्चों पे संकट गरमाने लगा है, और इसी को देखते हुए पीएम मोदी ने आज देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। तो वहीं अब समय आ गया है कि एक बार फिर से सतर्क हो जाएं। कोरोना को दूर रखने के लिए हम जो संबंधित नियम और निर्देश दिए गए हैं, उनका पालन करें। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।